एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन। आई एम रिचा तापड़िया। प्लानिंग हमने देख लिया था, अब प्लानिंग के बाद जो सेकंड मैनेजमेंट फंक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, राइट? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? जब मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था प्लानिंग में मास्क का, कि अगर हमें मास्क की प्लानिंग करनी है, मास्क का मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना, ये मैंने प्लान करा, बट ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, उसे एग्जीक्यूट करना। तो जब हमने प्लान करा है, तो अब एग्जीक्यूशन में मुझे ये तो देखना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, मुझे कितने रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, मुझे इसके अंदर कितने लेबर्स चाहिएंगे, कितनी स्टाफिंग मुझे इसके अंदर चाहिएगी। जब हम ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। मुझे किस तरीके से वर्क को डिवाइड करना है, कितने मुझे डिपार्टमेंट्स चाहिएंगे, कितनी अथॉरिटीज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। जब हम बोलते हैं, हम पूरा ये एग्जीक्यूशन हम पूरा रेडी कर देते हैं काम करने के लिए, एक स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग करने के बाद जब हम एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? सो लेट स्टार्ट। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing. वही चीज इसमें लिखी है कि जब कोई structure form किया है किसके लिए, delegation और responsibility देने के लिए, कि आपको ये work करना है, आपको जब हम work को divide कर देंगे, responsibilities को divide कर देंगे, कोई activity को करने के लिए people को engage कर देंगे common goal के लिए, तो उसे बोला जाएगा organizing. The activity conducted by the cooperation of two or more people and their coordination is called organizing. दो या उससे ज़्यादा लोगों को जब हम actively present करेंगे कुछ activity करने के लिए, तो उसे बोला जाएगा organizing. Now, characteristics. इसमें कुछ characteristics दी है, वो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है. First one, goal-oriented activity. Obviously बात है कि हम ये organizing क्यों कर रहे हैं, हम क्यों वर्क को डिवाइड करें, क्यों डिपार्टमेंट में डिवाइड करें, क्यों फंक्शंस डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें हमारा गोल अचीव करना है, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट इज प्लानिंग बेस्ड। जो हमने प्लानिंग की उसी के ऊपर तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना। मैंने कहा मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, स्टार्ट करना है, किसका, मास्क का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैं ऑर्गेनाइजिंग चालू कर रही हूँ। तो क्या प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज प्लानिंग बेस्ड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग का काम ही यही है, क्या करना, क्यों देखेगा कि हमें कितनी अथॉरिटीज चाहिएगी, मुझे वर्क को कैसे डिवाइड करना है, मुझे यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटीज कितनी डिवाइड करनी है। तो वो एक तरीके से क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, काम को कैसे डिवाइड करना है। इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट, क्या ह्यूमन के बिना पॉसिबल है ऑर्गेनाइजिंग करना? नहीं। हमें लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, क्या उनके बिना बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता। तो वही चीज है कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कौन, ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, इट्स अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की है, क्या उसे हम चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हैं। हमें फ्यूचर में लग रहा है कि हमें और डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, हमें और लेबर्स की जरूरत है, तो हमें करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। हमें लग रहा है नहीं जरूरत, तो हमें डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्या एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है, कि जरूरी नहीं ऑर्गेनाइजिंग मैंने जो ऑर्गेनाइज कर दिया है वही रहेगा, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। इंटर रिलेशन्स क्रिएट होंगे, क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, तो इस केस में परचेज और सेल को इंटरकनेक्टेड तो होना ही पड़ेगा ना। कितना यहाँ पे सेल हो रहा है और कितना प्रोडक्शन करना है, तो वो तो सेल वाला ही बताएगा परचेज वाले को कि कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो इसमें क्या होगा, ये इंटरकनेक्टिविटी इसके अंदर होगी, तो यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सिर्फ हमें मॉनिटर करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा, जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑर्गेनाइज किया, तो क्या होना पड़ेगा, मुझे कुछ कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग देखना पड़ेगा, जो मैंने किया है क्या वो सही है, क्या वो एक अकॉर्डिंग प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज़ हम जब डिपार्टमेंट्स में फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है कि एक ही पर्सन लाइबल है, बहुत सारे इसमें हम बोलते हैं ग्रुप होते हैं जिसको ये कोऑर्डिनेट करके वर्क करना पड़ता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ग्रुप एक्टिविटी डिपार्टमेंट्स में क्या एक ही पर्सन रहेगा? नहीं, नंबर ऑफ मेंबर्स वहाँ रहेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहाँ रहेंगे, तो क्या होगा, ग्रुप एक्टिविटीज़ क्रिएट होगी।
एंड लास्ट इज कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कंट्रोल एक हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में क्रिएट होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है, ये है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम चीज को मैनेज कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो व्हाट इज दैट? दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो ये सब हमने क्या देखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हमने देखी है। अब उसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक लिखी है, दैट इज मुंबई एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट हाईएस्ट जीडीपी स्ट्रक्चर, राइट। तो इसके अंदर कैप्स वाले क्या होंगे, वो डिनोट करेंगे पॉइंट्स को। लेट्स रीड दिस। मुंबई में हमने देखा एम इज फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, देन एस्टेब्लिश्ड, ये तो पूरा ही आ गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। देन एफ फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, एच इज फॉर ह्यूमन एलिमेंट, जी इज फॉर ग्रुप एक्टिविटीज एंड जीडीपी इज फॉर गोल oriented activity planning, and D is for delegation, that is G, D and P, right, and last is structure, that is for this one. So it covered these 9 points, clear. तो ये क्या हो गया, एक memory technique मैंने बनाई जिससे शायद आपको easily learn हो सकता है. Then process of organizing. अब process क्या है organizing की, कैसे हमें ये process organizing की पता चलेगी, that is क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तभी आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। आपने प्लानिंग किया तो आपने कुछ ऑब्जेक्टिव से किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग पूरी चीज को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। देन लिस्ट ऑफ फंक्शंस, मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा मुझे मास्क बनाना है और प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये मास्क में मुझे क्या होगा, मैं देखूंगी कौन कौन से फंक्शंस चाहिएंगे मुझे। मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है तो परचेजिंग फंक्शन हो गया, मैं इसको सेल करूंगी, सेलिंग फंक्शन हो गया। इसको मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजिंग फंक्शन हो गया, राइट। इसके अंदर मैं बोलूंगी मुझे पैकिंग चाहिए तो पैकिंग का भी एक फंक्शन हो गया। तो हमें सारे लिस्ट बनाने पड़ेंगे फंक्शंस के, कि एक भी फंक्शन इसके अंदर मिस ना हो। तो दैट इज लिस्ट ऑफ फंक्शंस। देन डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस तो मैंने बना लिया, अब मैं क्या करूंगी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगी, कि परचेज का अलग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का अलग हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, अकाउंटेंसी का अलग हो गया। तो ये एक तरीके से क्या हो गए, डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए। देन टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजिशन एंड एबिलिटी। अब देखो डिपार्टमेंट्स क्रिएट होने के बाद क्या होता है, उसका एक मेन हेड बना दिया जाता है, तो वही वो डिसाइड करेंगे कि डिपार्टमेंट्स में हमें कितने हेड्स चाहिए, उसके अंदर कितने वर्कर्स होने चाहिए। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से प्रोसेस डिसाइड होगी। देन डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डेलीगेशन मतलब पावर्स किसको देने चाहिए, कौन कौन से पावर्स किसको देने हैं वो डिसाइड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे देनी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स, एक दूसरे से क्या होगा, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लिंक करेंगे तो इंटर रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगे। एंड देन टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, और उसके बाद पूरा एक चार्ट बनाया जाएगा कि किसको क्या काम करना है, कैसा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, ये पूरा एक क्या होगा, क्रिएटिव वर्क यहाँ पे किया जाएगा चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या थी, हमने यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस देखी ऑर्गेनाइजिंग की, दैट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देन लिस्ट ऑफ फंक्शंस, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस, टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजिशन एंड एबिलिटीज, डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स एंड टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये हमने एक प्रोसेस यहाँ पे देख ली है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताने वाली हूँ। तो अभी मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग क्या है। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, दैट इज इन पार्ट 2। ओके, बाय।